हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है स्टडी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की स्टडी बेहतर चल रही है, बहुत ही अच्छे से कर रही है आप लोग अपने स्टडी को। आइए दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो हिस्ट्री का है, आपका क्लास टेंथ का 2020 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आप परिवार बन जाइए और बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम आज पढ़ते हैं कि क्लास टेंथ के 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास का, जो आपका सोशल साइंस में आता है। और इतिहास में जो आपका सोशल साइंस में इतिहास का ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ज्यादा पूछता है, सब्जेक्टिव में भी ज्यादा पूछता है इतिहास का। तो इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए सवाल पढ़िए। सवाल आपका पहला क्या कहता है, देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का के क्या परिणाम है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका परिणाम के बारे में पूछा। तो इसका परिणाम आपको लिखना है, कम से कम आपको इसमें इसका जो परिणाम होता है, देखिए यहाँ तक मैंने आपको 6 तक परिणाम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुल दिख रहा होगा 6 परिणाम मैंने आपको कॉपी में लिखे हैं, इसे नहीं लिखा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपका 7 परिणाम है, लेकिन यहाँ पर जब मैं मैट्रिक परीक्षा दिया था तो मैं तो कम से कम 4 ही परिणाम लिखा था, ठीक है दोस्तों, 4 ही परिणाम। और 4 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे तो आंसर आपको उतना ही मिलेगा और नंबर भी आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा लिखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा, और अच्छा से लिखना तो आपको खुश होकर के नंबर देंगे, ठीक है। तो आइए हम 6 परिणाम को कवर करेंगे। तो देखिए उत्तर में क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला परिणाम क्या है कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार है, जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो सामाजिक आधार का विस्तार है। और दूसरा परिणाम क्या कहता है कि इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिकरण किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिकरण किया। देखिए पहले ध्यान से इस वर्ड को समझना आपको, कि यहां पर आपका इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बन रहा है कि पहला कहता है कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के समाज का आधार का विस्तार किया, और इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिकरण किया। तीसरा परिणाम देखिए कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, ठीक है। हल्के हल्के टॉपिक को याद कर लेना है, और ये जो परिणाम है, कुल परिणाम आपको लिखना है, 6 परिणाम आप मैट्रिक परीक्षा में लिखोगे, ठीक है। हमारा सोशल साइंस में मार्क्स बहुत कम आया था, लेकिन लगभग में ठीक आया मेरा, ठीक है। कम से कम मेरा आया था सोशल साइंस में 70 प्लस आया था, ठीक है। तो आप लोगों को बेसी लाना है, 80 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स से प्राप्त हो, ठीक है। तो ये समझे कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर आपका चौथा परिणाम क्या आता है, देखिए इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उस आर्थिक बहिष्कार में ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। अब देखिए पांचवा परिणाम क्या कहता है कि इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो संगठन नए तरीकों का इस्तेमाल जो हुआ था, नया नया औजार लाया गया था, वो पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था। पूर्व मतलब हो गया आपका कि पीछे, ठीक है, पीछे मतलब यानी कि पहले जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में ये सब जो इस्तेमाल जो है संगठन दौरान के जो इस्तेमाल इस आंदोलन में किया गया था वो पूर्व आंदोलन में इस्तेमाल पहले से हो चुका था, ठीक है। सातवां परिणाम देख लीजिए, इस आंदोलन के अंतर्गत या इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। देखिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो यहाँ पर टॉपिक समझे कि इस आंदोलन के अंतर्गत या इस आंदोलन, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो या यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ कि इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को प्रभावित किया। यहाँ से लिखना, ठीक है, इसको छोड़ देना, लिखना यहाँ से कि इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को प्रभावित किया। तो ये आपका 6 परिणाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, और ये सवाल काफी बार आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये सवाल आपके लिए गेस क्वेश्चन भी आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप मैट्रिक परीक्षा में याद करके जाना, ठीक है। जो मैं आपको वीडियो में बताता हूं, आप हमारे चैनल में बने रहें, मैं आपको टॉपिक से टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेजते जाऊंगा। बस आप बेल आइकन को दबा देना, जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मैसेज मिलेगा, और आप जाकर जल्दी से देखोगे उस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पिछले बार पूछे जा चुके हैं मैट्रिक परीक्षा में। देखिए सवाल कहता है कि गांधी इरवन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गांधी इरवन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, ठीक है। देखिए गांधी इरवन पैक्ट भी इसको बोल सकते हो या दिल्ली समझौता भी बोल सकते हो। तो आइए इसको आंसर क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो व्यापकता है उसने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए
बाध्य दिया यानी कि जोर दिया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो व्यापकता है वो अंग्रेजी सरकार यानी कि जो अंग्रेज के सरकार होते हैं उसको समझौता करने के लिए बाध्य किया। फिर उसके बाद सरकार को गांधी के साथ समझौता करना पड़ा जिसे गांधी इरवन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका शॉर्टकट आंसर यही है, काफ़ी मोस्ट है और मैंने 3 या 4 लाइन में इसका आंसर मैंने आपके लिए लाया हूँ, जो आप अच्छे से याद कर लो, ना कोई प्रॉब्लम हो, ना कोई हिचकिचाहट हो, ना कोई लंबा हो, अगर इसको समझ गए हैं तो आपके माइंड में तुरंत हिल जाएंगे और आपके माइंड से निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए गांधी इरवन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। तो आंसर इसका कैसे दीजिएगा, देखिए ध्यान से समझे, कान लगाकर ये बात सुनने की है, ठीक है, और समझने की भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो व्यापकता था, आदमी था, जो उसका आदमी जो रहता है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि जो भी आंदोलन हुआ उसमें कौन कौन महान था, इसीलिए इसी में जो था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो था व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य दिया, समझौता करने के लिए बोला। फिर उसके बाद अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा जिसे गांधी इरवन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आई होप गांधी इरवन पैक्ट किसे कहते हैं, दिल्ली समझौता क्या था, ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। तो ये देखें पहला सवाल कहता है कि ये सवाल मैंने आपको कवर कराया हूँ और ये दूसरा सवाल मैंने कवर कराया हूँ। ठीक है, ये दोनों सवाल आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, काफ़ी मोस्ट है। जब आप मैट्रिक परीक्षा देने जाओगे तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना। ठीक है, आपको पता है कि कौन सा आपके मैट्रिक परीक्षा में सवाल पूछे, लेकिन ये लगता है कि हमें गेस क्वेश्चन है। देखिए आपको अब गेस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको गेस क्वेश्चन दूंगा, जो आपके मन में लगता है वो आप शेयर करें हमारे साथ, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो लास्ट होती है, बस वीडियो लास्ट होने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटा आता बगल में उसको दबा देना दोस्तों। ठीक है, वीडियो को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा आएगा, उसको घंटा दबा देना और लाइक कर देना वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है तो, आपको हेल्पफुल लगा है तो, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। ठीक है, और हाँ मैं बता दूँ आपको, अगर हमसे बात करनी है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हमसे पूछना है तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम डाउनलोड करें। इस अगर नहीं आपको डाउनलोड है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना और उसमें इसी चैनल का नाम सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, तो आपको उसमें जुड़ जाओगे और उसमें ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, और उसमें टेलीग्राम में मैंने आपको नोट्स भी भेजता हूँ और PDF भी भेजता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजता हूँ, तो उसमें आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।